रिमेंबर करने का इजी तरीका, ठीक है। वी सॉ डीपीएसपीज में 36, दिस इज वेयर डीपीएसपी स्टार्ट। 36 इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कि डीपीएसपीज क्या है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, दे आर जस्ट, डीपीएसपीज को क्यों बनाया था, डीपीएसपीज वर देयर जस्ट टू पुट एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, बट लेटर व्हेन वी हैव मनी देन वी विल यू नो फुलफिल ऑल दीज ऑब्लिगेशंस। तो कौन फुलफिल करेगा, स्टेट फुलफिल करेगा। तो 36 में तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 37 में क्या है, 37 में देयर इज एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मींस व्हाट, एप्लीकेबिलिटी मींस व्हाट, वेयर दे विल बी एप्लीकेबल, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, राइट, दे आर पुटिंग सम पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। नाउ 38 इज द फर्स्ट डीपीएसपी, ओके, 38 इज द फर्स्ट डीपीएसपी। अब अगर जो फर्स्ट डीपीएसपी है, जो फर्स्ट डीपीएसपी है ना, इट इज वेरी प्रियम्बल रिलेटेड। जो प्रियम्बल में चीजें थी वही फर्स्ट डीपीएसपी में है, राइट। तो प्रियम्बल में क्या था, जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये चीज इस डीपीएसपी में है, एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज, ये सब 38 में है, फर्स्ट डीपीएसपी है, सो रिलेटेड टू प्रियम्बल। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ये पीवाईक्यू है कि वेलफेयर स्टेट का आइडिया कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, तो 38 दिस डीपीएसपी टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट, ओके। एक मैं आपको और बढ़िया चीज दिखाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकेंड। Yeah, I don't know why this is not actually transmitting. Okay, maybe because of this. Hold on. Yeah. देखो, ये actual constitution of India है। जब पहली बार पढ़ते हैं polity, तो यहीं से पढ़ना चाहिए। देखो, definition in this 36 क्या था? Definition of state. So in this part, unless the context otherwise requires, state has the same meaning as part 3. तो पहला क्या था? Definition of state. 36, 37. Application of principles contained in this part. Second, DPSP. पहला बताएगा कि state क्या है. सेकंड, एक डीपीएसपी कहां कहां एप्लीकेबल है, तो क्या बताया, प्रोविजंस कंटेंड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट एज इट इज वाज आस्क्ड इन पीवाईक्यू इन 2021, बट द प्रिंसिपल्स देयरिन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू एज इट इज। यहां से स्टेटमेंट देखिए, आपको पीवाईक्यू देखना, यहीं से उठा के डालते हैं वो, क्यों डाला यहां से, बिकॉज दिस इज द ब्लडी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इफ यू हैव टू रीड, रीड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, समझ आया। नाउ 38, to secure a social order for the promotion of welfare, the state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting effectively as it may a social order in which justice, socio economic and political, kaha hai ye preamble mein bhi hai, justice, socio economic and political, to yahan bhi hai, shall inform all the institutions of national life, such a beautiful thing that's written here, right. The state shall in particular strive to minimize inequalities in four things, which equalities, income, status, facility and opportunity, four things, income, status, facility, opportunity, right. तो ये 38 तो क्या हो गया, 38 इज रिलेटेड टू प्रीएम्बल, 36 डेफिनेशन, 37 एप्लीकेबिलिटी, 38 प्रीएम्बल, 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, राइट। अब देखो इनको याद करते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट हैव टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, डायरेक्टली वी आर रीडिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कहीं कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है। फर्स्ट इज लाइवलीहुड, मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू लाइवलीहुड, सो वी विल रिमेंबर एल, ओके। टू दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन गुड, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, सेकंड डी, देन द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सी। तो हमने तीन देखे, एल, डी एंड सी, ओके, 39 में, ओके। नाउ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, पी, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एट द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड and are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their age or strength, meaning कि आपको अपनी health के against कोई occupation ना करनी पड़े, ऐसी आपकी economic मजबूरी ना हो, तो H, and last that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner, T, in a lower LDC क्या होता है, lower divisional clerk, या होता है least developing country, least developed countries, right, underdeveloped countries का better name, least developed countries, PHC क्या होता है, primary health center, 39 ऐसे याद कर लो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में वी हैव टू मेक अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, याद हो गया 39, 39A, 39A वाज एडिशन ऑफ लीगल एड, आई होप यू कैन सी दिस, फ्री लीगल एड, ठीक है। अब नाउ लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम, या सो एज यू कैन सी 39 LDC PHC, livelihood, distribution of material resources, concentration of wealth, equal pay for equal work, H for unsuitable vocation and C for children, ये हमने देख लिया। अब बाकी याद करते हैं, let's remember the rest and then we'll
ये क्या चल रहा है? ओके होल्ड ऑन. थर्टी एट देख लिया एप्लीकेबल, दिस वॉज प्रियम्बल रिलेटेड. 39 देख लिया एल डी सी पी एच सी. 40 क्या देखा था? 40 की एज पे इंटर है पंचायत. 41 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 राइट्स, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस. ओके ये हम देख चुके हैं पहले पिछले की क्लास में. 42 जेस्टेशन पीरियड मटर्निटी रिलीफ, ठीक है. 43 लाइफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग सो लिविंग वेज. 44 यूनिफॉर्म, 4 एंड 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड. 45 4 माइनस 5 1, 1 ईयर पे क्या करेंगे? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. 46 46 पे क्या करेंगे? 4 माइनस 6 2, सो एस सी एंड एस सी एस टी, राइट. ओके 47 ए के 47 कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ, सो रिलेटेड टू हेल्थ एंड बैनिंग ऑफ अल्कोहल. 48 48 मीनिंग अड़ियल सांड, सो एनिमल हस्बेंड्री. देन 48 ए एनिमल हस्बेंड्री के ही पास है और ए ऐड हुआ होगा, राइट, सो मस्ट बी एनवायरमेंट रिलेटेड. 49 पोर्ट पे 49, सो पोर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज. 50 50 50, राइट, 50 50 बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यू डू द सेपरेशन. 51 वन स्टैंड लुक्स लाइक आई, सो इंटरनेशनल पीस. अब दो तीन और रहेगा यहाँ पे. 43 में देर वॉज एन एडिशन, इन 43 देर वॉज एन एडिशन ऑफ 43 ए एंड 43 बी. 43 ए वॉज यू विल इन्वॉल्व वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. 43 बी वॉज 97th अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. 39 के साथ देर वॉज एन एडिशन. 39 ए प्री लीगल एड. ऑल डीपीएसपी डन, बस डीपीएसपी अब दोबारा नहीं रिवाइज कराऊंगा. आज जिसने सुन लिया आई हो.